नमस्कार, स्नेक रेस्क्यू टीम बिलासपुर से प्रेसिडेंट कमल चौधरी और साथ में मेरे टीम मेंबर्स। हमने करीब 10 दिनों में जो सांप पकड़े बिलासपुर के रिहायशी एरिया से, तो उन सांपों को हम बिलासपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर कोटा के जंगलों में आके हम उनको रिलीज़ करने आए, ताकि उनको नेचुरल हैबिटेट एरिया मिल जाए, ताकि इंसान भी बच जाए और ये सांप भी बच जाए। और इसी तरह से हमने करीब 7 कोबरा, 7 बैंडेड क्रेत, 1 कॉमन क्रेत और 7 रसल वाइपर और बाकी नॉन वेनमस स्नेक, ऐसे करके हमने करीब 30 सांपों को लाके कोटा के जंगलों में जाके छोड़ रहे हैं। ये कॉमन क्रेट, इसको लोकल नाम घोड़े क्रेट के नाम से जाना जाता है। और जब कोई हमारे फार्मर भाई, किसान भाई ज़मीन पे सोते हैं, तो ये रात को निशाचर सांप है और आधी रात के आपके बिस्तर पे घुसता है और बाइट करता है। इसका पॉइजन न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो कोबरा से 6 से 8 गुना तेज होता है, बहुत ही घातक है। इसके कोई सिम्टम नहीं बनते हैं। यही कॉमन क्रेट है और हमारे सबसे जहरीले सांपों में भारत के में से एक है। हमारे हाथ में 6 बैंडेड क्रेत है और इसको नुकल नाम अहिराज के नाम से जाना जाता है। जबकि इसके लिए ये मिथ फैला हुआ है कि इसके पूंछ पे काटा होता है या जहर होता है, जबकि मैं बताना चाहूँगा कि इस सांप की पूंछ पे कोई काटा कोई जहर नहीं होता। ये सांप क्रेत की स्पीसीज है, इसका नाम है बैंडेड क्रेत और बहुत ही खतरनाक जहर होता है इसका। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो कोबरा से 6 से 8 गुना तेज होता है। तो प्लीज़ इस सांप को देख के पकड़ने की कोशिश ना करें। हाथ में करीब 5 स्पेक्टिकल कोबरा है, जिनका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा और इसको हिंदी में नाग भी कहा जाता है। और हमारे नुकल नेम में सांप का नाम है घोंघा डोमी या गेहूंघन के नाम से जाना जाता है। इसका पॉइजन न्यूरोटॉक्सिन होता है। इसके भारत में हर साल जो स्नेक बाइट होते हैं, तो करीब 15,000 स्नेक बाइट इन्हीं की वजह से होते हैं। ये रसल वाइपर, जिसका नाम नुकल नेम है फुस्की जदर्रा या नौलखा के नाम से जाना जाता है। इसके लिए ये मिथ फैला हुआ है कि ये अगर ऊपर फूंक दे आपको, तो आपका उस एरिया को सड़ने लगता है, जहर लग जाता है, जबकि पूरी तरह से ये निराधार बात है, गलत बात है। जब तक ये आपको बाइट नहीं करेगा, जब तक आपको काटेगा नहीं, तो आपके शरीर में जहर नहीं जाएगा। इसका जहर न्यूमोटॉक्सिन होता है। अगर ये काट दे, तो काटे हुए जगह से आपको खूब ब्लीडिंग होगा, वहाँ से टिश्यू आपके ख़राब होने लगेंगे, गलने लगेंगे, आपके यूरिन से ब्लड जाएगा, आपके गम से ब्लड जाएगा और लास्ट में बीपी आपके स्टेबल नहीं होंगे, लास्ट में आपकी किडनी फेल होकर आपकी डेथ हो जाएगी। तो कई बार इस सांप को धोखा खाया जाता है कि ये अजगर की स्पीसीज है, तो प्लीज़ इस सांप से आप डिस्टेंस बनाइए। और ये भारत का सबसे खतरनाक सांप है। हर साल इसके बाइट से, इसके काटने से करीब 25,000 मौतें होती है। आ गया ना।
अब मैं अभी रिलीज कर रहा हूँ, इसका नाम रेट स्नेक है और लोकल नेम इसका असड़िया बोलते हैं। ऐसा लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई है कि इसका विष आषाढ़ महीने में लगता है बोल के, ये जो है सरासर गलत है। और ये अधिकतर हमारे रिहायशी इलाकों में जहाँ चूहा और मेढक वगैरह अधिकतर पाया जाता है वहाँ मिलता है। ये जो स्नेक है ये बैंडेड रेसर है, इसको लोकल नेम में धूड़ी नागिन के नाम से जाना जाता है। और ये माना जाता है कि ये नाग की स्पीसीज है, जबकि ये नाग इसमें कोई भी जहर नहीं होता है। इंडियन रॉक पाइथन जिसको भारतीय अजगर के नाम से जाना जाता है, और इसकी लेंथ 24 से 25 फीट तक जा सकता है, और ये नॉन वेनमस स्नेक होता है।